फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी लड़की को पसंद कर लेते हैं, उससे हम प्यार भी कर लेते हैं, पर हम कभी बोल नहीं पाते, पर उस लड़की को पता चल जाता है कि ये लड़का मुझे लाइक कर रहा है, तो फ्रेंड उस लड़की को ऐसा लगता है कि चल यार, इसने तो बहुत मेहनत कर ली, थोड़ा सा हिंट मैं भी दे देती हूँ उसे कि हाँ मैं उस पर फिदा हूँ, बट वो आपको हिंट देती है पर आप समझ नहीं पाते हो, उसके कारण वो लड़की आपकी कभी भी नहीं बन पाती है। तो कोई बात नहीं यार, आज की इस वीडियो को देखने के बाद ना आप ऐसी गलती कभी नहीं कर पाओगे। और इतना ही नहीं फ्रेंड, आप ये भी इस बात से समझ पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, ये फ्रेंड वीडियो ना बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पर है, इस तरह के साइन बॉयज भी देते हैं और गर्ल्स भी देती है। तो फ्रेंड आप अगर आप बॉयज हो तो अपने हिसाब से समझ जाना, और अगर आप गर्ल्स हो तो अपने हिसाब से समझ जाना। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पे नया हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दबा दो नोटिफिकेशन बेल को। और हाँ फ्रेंड, आपके पास थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो प्लीज यार हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो एंड तक देखने में अच्छी लगती है तो प्लीज यार लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम पास किए ना, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। Газ погребенный в землю, black metal lifestyle, пожинаю и сею, те мрази все вышли из дьявола семени. तो फ्रेंड पहला हिंट है आपका, आपकी तारीफ करना। अब मान लीजिए फ्रेंड, वैसे तो आपकी लड़की बहुत सी तारीफ करती होगी, पर कर कोई लड़की खासकर आपकी बातों की तारीफ करे, मतलब कि आपको कहे कि यार जानते हो जब भी आप बोलते हो ना कुछ भी चीज़ तो यार बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और मैं इतना नहीं तुम्हारी बातें ना मेरे दिमाग में घुस जाती है यार, कि घर पे भी आता ना तो भी तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। वैसे तो फ्रेंड ऐसा कम बोलती है लड़कियां, पर बहुत सी लड़कियां बोल भी डालती है। तो फ्रेंड कुछ इस तरह का मिलता जुलता आपको हिंट मिल जाए ना कि हाँ इसको लगता है कि मेरी बातें बहुत ज्यादा ही पसंद है और ये बहुत इंटरेस्ट लेके सुनती है मेरी बातें, हाँ फ्रेंड वो आप पर फिदा है। मान लीजिए आपने अधिकतर ऐसा देख रखा होगा, कितने बॉयज को या फिर कितने ऐसी गर्ल्सों को जिसकी जोड़ी कभी मैच नहीं खाती होगी, आप लोग भी नोटिस करने के बाद यही बोलते होंगे कि यार ये इनकी जोड़ी काफी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। तो फ्रेंड जानते हो अक्सर में होता है क्या उनमें, ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोग कुछ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ एक चीज देखते हैं कि वाह यार ये बंदा कितने मस्त तरीके से बातें करता है। तो अधिकतर ना लड़की को अपने ऊपर फिदा करने के लिए या फिर उसको पटाने के लिए मेन चीज क्या होता है, बातें। तो कोई अगर लड़की आपकी बातें की तारीफ कर रही है तो समझ जाओ यार कि वो आप पर फिदा है। और फ्रेंड अगला जो हिंट है, इस हिंट में आपको एक बात नोटिस करनी है, क्या वो लड़की मेरे पे ध्यान रखती है, मतलब कि क्या वो मुझे नोटिस करती है। अब जैसे कि अगर आप कहीं जाते हो उसके बाद वो आपसे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे यार इतने दिनों तक, या फिर कहाँ थे तुम, या फिर कल क्यों नहीं आए थे, मतलब कि इस तरह की कोई बात है। और जब आप उसके सामने रहते हो तो आपको तिरछी नजर से देखती है, अगर आप नोटिस कर सको तो आपको पता चल जाएगा कि वो हाँ वो तिरछी नजर से मुझे देखती है। या फिर अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो आपसे पूछ भी लेती है कि किससे बात कर रहे थे, या फिर किससे लगे पड़े थे, या फिर वो कौन है उससे क्यों बात कर रहे हो, मतलब कुछ इस तरह का नोटिस करेगी आपको, वो इस तरीके से आपको सही तरीके से जानना चाहती है। तो इसका भी मतलब साफ साफ यही है फ्रेंड कि वो आप पर फिदा है, बस आप समझ नहीं पाते हो यार। इस हिंट में आपको फ्रेंड ये चीज नोटिस करना है, क्या वो कोई भी बहाने से आपके पास आ जाती है, या फिर आपसे कोई चीज मांगती है, या फिर कोई आपसे हेल्प मांगती है, या फिर वो आपकी हेल्प करती है। मैं आपको दो तीन एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ऑफिस में है, उसके बाद अगर उसको कोई प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे पूछेगी यार तुझे पता है ये फाइल कैसे बनेगा, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि उसको थोड़ा बहुत पता भी हो फिर भी फ्रेंड वो सिर्फ आप ही के पास है, उतने भीड़ में वो किसी और के पास नहीं, सिर्फ आपके पास ही पर्सनली आ रही है। वैसे ही अगर अपने क्लास में हो आप और उसको कोई होमवर्क मिला है, उसको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आपके पास आएगी, यार तुझे बता देना यार तू थोड़ा ज्यादा इस टेंशन में, भले आपको क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो, फिर अभी आपसे पूछेगी वो कि क्या आपको ये आता है, तो आप मना भी करते हो तो बोलोगे चल छोड़ना यार, पर इतना तो बताइए ऐसे सॉफ्टवेयर से। अभी फ्रेंड जानते हो उसको इससे मतलब नहीं है कि आपको आता है कि नहीं आता, उसको इससे मतलब है कि आप उससे बात करो, उसका पूरा अटेंशन आपका सिर्फ उस पे बना रहे। तो फ्रेंड इस तरीके की, या फिर आपसे कोई हेल्प मांगे कि जरा अपना पानी की बोतल दियो, या फिर जरा पेन दिखाना, या मतलब कुछ भी इस तरीके का, या फिर आपसे ऐसे कुछ बोले कि तुझे पता है कल की जो मूवी तूने देखी यार कितनी इंटरेस्टिंग थी ना यार, तो बोले कौन सी मूवी, मैं तो गया भी नहीं कल। तो फ्रेंड वो दरअसल वो मूवी नहीं, वो आपसे पूछना चाहती है कि आप कितना इंटरेस्टेड उससे बात करने में। तो भाई हो इसका भी मतलब साफ साफ यही है कि वो आप पर फिदा है। तो फ्रेंड इस टेक्निक से ना आप इतना जान सकते हो कौन लड़की आप पे फिदा है और कौन इंटरेस्टेड नहीं है। तो फ्रेंड अगर आपकी वीडियो एंड तक देखने में अच्छी लगी है तो प्लीज यार लाइक करना, शेयर करना और हाँ फ्रेंड कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत यार प्लीज, और हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपने एंड तक उसके लिए वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली बार प्यारी सी वीडियो से, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।